नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार रैपिड हेडलाइन। टोटो पलटने से 5 लोग गंभीर रूप से घायल। बागडोगरा में टोटो दुर्घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बागडोगरा बिहार जंक्शन के पास तेज रफ्तार में टोटो पलटने से ये हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि टोटो में चालक समेत 6 लोग सवार थे। सड़क के पास तेज रफ्तार टोटो के अनियंत्रित हो जाने से उसमें सवार यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल सभी पेशे से मजदूर थे। बाद में स्थानीय व बागडोगरा ट्रैफिक पुलिस की मदद से घायलों को इलाज के लिए बागडोगरा अस्पताल ले जाया गया। 3 लोगों को घायल अवस्था में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज भेजा गया। वही पुलिस ने टोटो चालक को गिरफ्तार करने के साथ ही टोटो को भी जब्त कर लिया है। टोटो चालक का नाम बागडोगरा के टाइगर बस्ती निवासी मंजू श्रीवास्तव 26 वर्षीय है। माहुरमारी एक ग्राम पंचायत इलाके में हाथी ने तोड़े कई मकान। सूचना मिलने पर भी नहीं पहुंचे वन अधिकारी। जलपाईगुड़ी जिले के माहुरमारी एक ग्राम पंचायत इलाके में देर रात जंगली हाथी 2 घरों में तोड़फोड़ मचाई। घर का सारा राशन चट कर गए। मंगलवार की देर रात करीब 1:30 बजे सोनाखली जंगल से एक जंगली हाथी क्षेत्र में प्रवेश कर गया। उस समय इलाका वासी सम्राट सरकार घर में सो रहा था। अचानक घर हिलने लगा। हाथी के सूंड के वार से खिड़की की ग्रिल टूट शरीर पर गिर गई। हाथी को देखकर सम्राट की चीख निकल गई। वह किसी तरह कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में चले गए। हाथी ने घर में तोड़फोड़ की और घर में रखा 2 बोरी चावल खा गए। इससे भूख नहीं मिटी तो हाथी ने बगल की एक बूढ़ी महिला शुक्ला बाला राय के घर में भी तोड़फोड़ की। स्थानीय लोगों का दावा है कि हाथी अक्सर क्षेत्र में प्रवेश कर तोड़फोड़ मचाता है। कल रात भी इसी तरह से उत्पात किया। वन विभाग को बुलाने के बावजूद भी वे नहीं आए। पीड़ितों के ने कहा कि हाथियों ने घर तोड़ दिया है। हाथी का आवाज हुआ तो जान बचाकर भाग गए। जान तो बच गई लेकिन बिना किसी की मदद के घर को ठीक करने का कोई उपाय नहीं है। वन विभाग ने भी कोई सुध नहीं ली है। लगभग 20 सालों में नहीं बना पुल। हताश ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान। 20 सालों से क्षेत्र के लोगों को नदी पार करने के लिए एक पुल नहीं मिला। हर साल पंचायत चुनाव से पहले के आश्वासन दिए जाते हैं लेकिन पुल की मांग पूरी नहीं की जाती है। मजबूर होकर उन्होंने आगामी पंचायत चुनावों में वोट बहिष्कार का आह्वान किया है। ग्रामीणों ने गांव के अलग अलग कोनों में वोट बहिष्कार का बैनर भी टांग रखा है। साथ ही इस दिन स्थानीय लोगों ने पहले ग्राम पंचायत कार्यालय पर धरना दिया और बाद में बैनर टांग कर मतदान बहिष्कार का आह्वान किया है। ये स्थिति जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी प्रखंड के गादोंग एक ग्राम पंचायत के काजीपाड़ा इलाके की है। सिंगीमारी नदी पर 20 साल से बिना पुल के 2000 से ज्यादा लोग सफर कर रहे हैं। कुछ समय तक लोग बांस से चरचरे पुल का इस्तेमाल करते हैं लेकिन बारिश के दिनों में यह खतरनाक होता है। साथ ही पुल पानी में डूब जाता है। इस बार स्थानीय निवासियों ने सिंगीमारी नदी पर एक स्थायी पुल की मांग को लेकर मतदान बहिष्कार का आह्वान किया है। सत्ता पक्ष के पंचायत प्रधान ने निवासियों की कठिनाइयों को स्वीकार किया लेकिन समस्या को सुलझाना फिलहाल प्रशासन के लिए मुश्किल है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि फिलहाल सिंगीमारी नदी पर बांस का पुल बनाया जाएगा। भाजपा नेता गजेंद्र नाथ रॉय ने पूरी घटनाक्रम को लेकर सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा। पूर्व पार्षद स्वर्गीय सुशील कुमार रॉय को नगर निगम में दी गई श्रद्धांजलि। सिलीगुड़ी नगर निगम में स्वर्गीय सुशील कुमार रॉय को श्रद्धांजलि दी गई। वो सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 25 के 2 बार पार्षद चयनित हुए थे। बुधवार को नगर निगम कार्यालय में उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर मेयर सहित नगर निगम कर्मचारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मेयर ने कहा, स्वर्गीय सुशील कुमार रॉय के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। सिलीगुड़ी नगर निगम की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। तीन के रहस्य में मौत, पति गिरफ्तार। मजिस्ट्रेट स्तर पर जांच शुरू। शादी के 1 साल बाद ससुराल से एक गृहिणी का फंदे से लटका शव बरामद किया गया। घटना मैनागुड़ी प्रखंड की हेला पगड़ी से सटे डांगा बाड़ा इलाके में मंगलवार दोपहर को हुई। गृहिणी की पहचान 18 साल की पारुल रॉय के तौर पर हुई है। गृहिणी के पिता ने घर वाले ने ससुराल वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मृतिका पारुल रॉय के पति रतन रॉय को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार पति को बुधवार को कोर्ट भेजा गया। भूटपट्टी की बेटी पारुल रॉय ने 1 साल पहले रतन रॉय के साथ प्रेम विवाह किया था। पति पेशे से दिहाड़ी मजदूर है। पिछले 4-5 महीने से घर पर उसकी सास और ननद रह रहे हैं। आरोपी की सास, ननद व पति पारुल को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। मंगलवार को गृहिणी के रहस्य में मौत के बाद जब पुलिस शव लेने गई तो ग्रामीणों ने पारुल पर किए गए अत्याचारों के बारे में बताया। मृतिका के पिता उपेन रॉय ने कहा, मेरी बेटी को उसके पति, उसकी माँ और बहन ने प्रताड़ित किया। मेरी बेटी इसे सहन नहीं कर पाई। हमने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। हम चाहते हैं कि अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जलपाईगुड़ी भेज दिया है।